हेलो कॉमरेड्स, और आज हम लोग शूट कर रहे हैं विपश्यना ध्यान केंद्र जो है लखनऊ में, और ये बख्शी के तालाब के पास है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और ये हमारी एंट्री हो रही है। एंट्री करते करते आपको सबसे पहले ये मिलेगा, आपको ये यहाँ का मेन ऑफिस जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करें, जब करके आएंगे आपको यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब फिल करनी होती है। ये हमारा 10 डेज का कोर्स होता है, इसमें आपको 10 डेज के लिए पूरी तरह से मौन रहना पड़ता है, पूरी तरह से शांत रहना पड़ता है, किसी से भी बात नहीं कर सकते हैं। 10 डेज हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ विपश्यना का, और इसीलिए फिर हम आज लास्ट डे इसको शूट कर रहे हैं ताकि आप देख सकें कि ये कैसा है यहाँ का माहौल। यहाँ आते हैं, फिर ये हम लोग का आता है डाइनिंग हॉल। ये हमारा फीमेल डाइनिंग हॉल है, और उसके जस्ट दूसरे साइड मेल डाइनिंग हॉल होता है। फिर हम लोग इधर जाते हैं मेडिटेशन हॉल की तरफ, जिसे धम्म हॉल कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जगह आपको बोर्ड मिलेगा, आंखें नीचे रखें। यहाँ पे हम लोग को किसी को एक दूसरे को देखना नहीं है शिविर तक का। जब जिस दिन मौन टूटता है हमारा, उस दिन आप लोग बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं रहता है पूरे 10 दिनों तक, और किसी से बात तो बिल्कुल नहीं करनी रहती है। ये हमारा धम्म हॉल है। यहाँ पे आपका हर दिन जितने भी डेज निकलते जाते हैं, आपका ये जो यहाँ का इन्होंने मैसेज दे रखा है, ये चेंज होते रहते हैं। और इधर ये समय सारिणी है, ये आप आएंगे तो फिर आपको भी दिखेगा। और हम ये चलते हैं अंदर। ये है हमारा धम्म हॉल। यहाँ पे सब लोग बैठ के यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, विपश्यना करते हैं। और ये हमारा शून्य घर है। आप देख सकते होंगे, सुन सकते होंगे, देख भी सकते होंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शांति है। यहाँ पे हर एक सेल है, आपको नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा, आप लोग को एक एक प्रोवाइड किया जाएगा सेल। और यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे आपको बैठ के का जो आसन रहेगा, यहाँ से आपको निकाल के आपको बैठ के यहाँ पे आराम से आप कर सकते हैं विपश्यना। अच्छा लगता है काफ़ी। यहाँ पर भी आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, वहाँ हॉल में एक अलग, और यहाँ शून्य घर में आके आपको एक अलग अलग ही एक्सपीरियंस होगा। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी वही हॉल है। साधना करनी रहती है। यहाँ पर भी एकदम पुरुषों के लिए एकदम अलग बना रखा है, महिलाओं के लिए एकदम अलग। तो ये है आज लोग, आप इन लोग की चेहरों पे हंसी देख सकते हैं, कितने ये लोग कितने खुश हैं।
आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको यहाँ पे कैसा लगा, आपका ये 10 दिन कैसे बीते? ये 10 दिन वर्थ इट थे, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे बीते। शुरू में काफ़ी चैलेंजेस आए, और जैसा गुरु जी ने बताया था कि धर्म के मार्ग पे चलना है तो भाई चैलेंजेस आएंगे, तपोभूमि है, तब करना है, तब ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल चैलेंजेस भी आए, लेकिन जो इस परिश्रम का फल मिला वो बहुत ही अच्छा था, और मतलब चित्त को शांत कर गया है, शुद्ध कर गया है, बस इसको आगे यू नो बनाए रखना है। तो अब आप कैसे उसको फॉलो करेंगे अपनी आगे की लाइफ में? जैसे गुरु जी ने बताया है ट्राई करूँगी, वैसे तो सुबह शाम प्रैक्टिस करूँ अभी, अभी बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म है तो इंथुजियाज्म के साथ घर जाके प्रैक्टिस करना है रोज़। एंड जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए लाइफ, रियल लाइफ प्रॉब्लम, जब राग द्वेष एकदम पीक पे है, तब देखना है, तब कंट्रोल करना है, तब असली टेस्ट होगा मेरा कि हाँ भाई यहाँ जो सीख के गए वो हुआ कि नहीं हुआ। और आप बताइए। हम 10 दिन डेफिनेटली होते थे स्टार्टिंग में, ऐसा भी लगा कि अरे बिगड़ तो जाओ पहले, सुधरना अभी मर गया। बट एंड तक आते आते वो रियलाइजेशन हुआ ना कि जो तुम खोज रहे थे उसका कुछ पार्ट तुमको मिल गया, कुछ हद तक मिल गया, जो चीज़ तुमको सपोर्ट के लिए चाहिए थी वो मिल गई। बहुत सेटिस्फैक्ट्री था। और कैसे मतलब यू नो उन्होंने MBBS फर्स्ट ईयर की बात किसी 2 साल के बच्चे को समझा दी। ये कोर्स वॉज दिस सिंपल, किसी को भी समझ आ जाए। और मेन मोटिवेशन थी आगे कंबल ओढ़ के बैठने वाली जगह ऑरेंज कंबल, उसको देख के लगता था कि नहीं मुझे बैठना, मुझे हाथ नहीं हिलाना। थैंक यू। ओके थैंक यू आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आपने यहाँ पे जर्नी देखी, मैंने आप लोग को दिखाया कि अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ माहौल है, शून्य घर है हमारे पीछे, और उधर फीमेल रेसिडेंट। फिर आपको मैंने एक छोटा सा व्यू दिया, आप पिक्चर मतलब वीडियो के हिसाब से आप इतना नहीं किसी चीज़ को महसूस कर पाएंगे, आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आपको लगेगा। जैसे कि जब हम यहाँ पे सबकी अलग अलग स्टोरी है, जब 10 दिन पहले हम आए थे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे कि यार इसके में हमें ही ये दुख क्यों है, ये दुख मेरा क्यों नहीं जा रहा है, ऐसी बहुत सीधे चलती है। लेकिन अब हमारे पास उसका आंसर है कि हमें अभी इसी तो नहीं कह सकते हमारे दुख एकदम ही पूरी तरह ख़त्म हो गए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है कि उसको कम कैसे हमें जिस हिसाब से गुरु जी ने बताया कि यहाँ पे हम लोग की ये भारत की इंडिया की हमारी ये बहुत ही पुरानी विद्या है, तो मुझे लगता है यहाँ पे सब लोग को आप सबको आके यहाँ पे सीखना चाहिए, ये विद्या आपको लेनी चाहिए। कहते हैं कि मेडिटेशन आप करो आपको बहुत रिलैक्स होगा, हम लोग भी ढूंढते रहते थे मेडिटेशन यूट्यूब वगैरह में कि इसको ऐसे करना है वैसे करना है, ये करो सांस पे ध्यान दो, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन एकदम प्रॉपर टेक्निक जो है वो आपको यहाँ पे आके ही मिलेगी। इसका सच में कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सच में अपने दुखों को दूर करना है तो आप बिल्कुल आके देखिए। और मुझे ऐसा लगता है हमारी जो यूथ है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि मैं भी एक यूथ ही हूँ, तो मैंने देखा है कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे जिस हिसाब से इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम हिसाब से रहते हैं कि जो हमें जिस हिसाब से हम सोचेंगे हिसाब से हमें पोस्ट वगैरह दिखेंगी, रील्स वगैरह दिखेंगी, तो उस समय मुझे भी डिप्रेशन था, और फिर मेरे सामने भी वैसी पोस्ट वगैरह आती थी बहुत, मैं अपने आप को रिलेट करती थी उससे कि, और फिर मैं उसमें लाइक्स देखती थी, कमेंट्स देखती थी, वो हज़ारों लाखों की संख्या में रहते थे, मैं बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ आते थे, ऐसा लगता था कि यार बहुत मेरी तरह बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे उनकी वो हालत हो चुकी है। कोई अंदर से खुश नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता मैं अंदर से खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे आके बिल्कुल ये कोर्स करना चाहिए, ज़्यादा दिन का है भी नहीं, बस 10 डेज़ का है, आप फॉलो करिए। हम लोग को भी पहले ये लगा था कि एकदम जाके आपको संत जैसा जीवन व्यतीत करना है, बहुत ज़्यादा आपको क्या नाम है बहुत ज़्यादा कड़ाई से पालन करना रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी लाइफ 10 दिनों की, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे मेरी तरह और भी हैं यहाँ पे आए हुए, मेरी उम्र के हैं, मेरे बड़े हैं,
कुछ हो सकता है मेरे से छोटे भी हों, तो यहाँ पे आके सब लोग कर रहे हैं, तो फिर से आपको भी करना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपको एक बार चांस तो देना चाहिए खुद को लाइफ में एक बार, तो इस टीचिंग को रैप करने के लिए बिल्कुल आप इसे तो सच में फ़ायदा हो। यहाँ पे हर कोई भी जाता है उसको फ़ायदा ज़रूर होता है। सबसे हम लोग जनवरी का मौसम चुने हैं, बहुत ज़्यादा ठंड थी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में था कि इसको करना है, कंप्लीट करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। और मुझे लगता है यहाँ पे जब आएंगे ना तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है आपको ये फ्रस्ट्रेट होने ही नहीं देगा। अगर एक दिन भी अगर हो टीचर्स जो गुरु जी हैं उनके अगर प्रवचन वगैरह आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ना जो अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे इसका समाधान मुझे मिल गया एकदम वैसे ही मिलता है। लेकिन हमेशा से है कि आपको बस सुनने से किसी को आप वो चीज़ महसूस नहीं कर सकते, तो आपको उसका अनुभव लेना ही पड़ेगा। आइए मेडिटेशन करिए, बी हैप्पी, सबका मंगल हो, भाव सब मंगल हो।